प्यारे विद्यार्थियों, टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संजय पहुजा, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपका स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट ईयर के कॉमन सब्जेक्ट जो TDIDCA कोड नंबर 122 यूनिट नंबर 3.2 डेटा ट्रांसमिशन मीडिया पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में 201 यूनिट 2.4 में लैन कंपोनेंट मीडिया के नाम से है। सबसे पहले जब हम लैन मीडिया की बात करते हैं तो लैन मीडिया में जो केबल जो है जो इस्तेमाल होता है केबल लैन को बनाने के लिए जिसको हम वायर्ड लैन बोलते हैं उसमें सबसे पहले जो केबल का इस्तेमाल होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल में भी जो सबसे पहले केबल है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यूटीपी केबल बोलते हैं। यूटीपी केबल जो है वो आपके पास उसके अंदर जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है, आपके पास डायग्राम के अंदर शो कर रखा है कि यहाँ पर जो कंडक्टर है वो है और उसके ऊपर एक कॉपर कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेटर है और उस वायर को आप केबल जैकेट के अंदर टाइट करके रखते हैं। इस तरीके से 8 वायर या 4 पेयर का केबल होता है जिसमें टी और आर, टी का मतलब ट्रांसमिट सिग्नल और आर का मतलब रिसीव सिग्नल। इसी केबल को जब क्रम्पिंग टूल्स के द्वारा क्रम्प करते हैं तो इस केबल के एंड पर एक RJ45 कनेक्टर लगा देते हैं जिससे ये स्विच के अंदर और दूसरे एंड पर NIC जो आपके कंप्यूटर पर या PC पर होता है उस पर केबल कनेक्ट हो जाती है। तो यही केबल है जो CAT 5, CAT 6, CAT 7 कैटेगरी के नाम से आती है। CAT 5 की जो स्पीड है वो 10 Mbps और CAT 6 की जो स्पीड है वो आपके पास 100 Mbps, CAT 7 जो है वो 10 Gbps तक की स्पीड पर डेटा ट्रांसमिट करती है। इसका जो नेक्स्ट केबल है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर केबल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए उसको शील्ड की एक इंसुलेटर और चढ़ाया गया है। ये केबल भी आपके पास आता है जो ज़्यादातर रिंग टोपोलॉजी या दूसरे टोपोलॉजी में काम में आता है। इसमें इसका वजन बढ़ जाता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा शील्ड, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन किया गया है। नेक्स्ट जो केबल है वो है आपके पास कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल ज़्यादातर आपके पास टीवी में इस्तेमाल होता है। अगर आपने केबल टीवी देखा है तो जो DTS से आपके पास जो केबल आ रहा है टीवी के सेट टॉप बॉक्स में लग रहा है वो कोएक्सल केबल ही है। ये जनरली मल्टीप्लेक्स सिंग होके आता है जिसके अंदर 6 MHz के बैंड का एक एक चैनल का डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर इसको आप देखेंगे तो इसके अंदर भी केबल जो है यहाँ पर ये एक कॉपर इंसुलेटर है, ये आपके पास इसको इंसुलेशन किया हुआ है प्लास्टिक शीट से, ये कॉपर मेश है और ये उसका एक आउटसाइड इंसुलेटर है प्लास्टिक का। ये मेश आपने जितने आपके पास पहले केबल टीवी आए थे तब भी आपने देखा था, तब भी यही केबल इस्तेमाल होता था और आज DTH के अंदर भी कोएक्सल केबल का इस्तेमाल होता है। कोएक्सल केबल जनरली एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए काम में आता है जबकि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है UTP जो केबल है वो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए ही इस्तेमाल होता है और अधिकतर जो है वो वायर्ड लेन को बनाने के काम में आता है। कोएक्सल केबल टीवी के अंदर केबल टीवी प्रसारण और एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादातर काम में आता है। नेक्स्ट है आपके पास फाइबर केबल। फाइबर केबल में दो मोड आते हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये सिंगल मोड फाइबर का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो फाइबर के बहुत छोटे बारीक फाइबर्स हैं, उनके ऊपर एक इंसुलेटर लगा हुआ है, फिर ये एक एक बंडल के अंदर बहुत सारे केबल्स के बंडल्स, फिर एक मोटा स्ट्रेंथ केबल आता है। इससे आप मल्टीपल सिंगल मोड फाइबर कैरी करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के काम। यहाँ पर सिंगल मोड का मतलब एक ही मोड में डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर है मल्टी मोड ट्रांसमिशन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो केबल आपको वैसा ही दिखता है पर इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है और ये मल्टी मोड फाइबर के नाम से आता है। केबल आपने आजकल सभी जगह फाइबर केबल का इस्तेमाल हो रहा है और अगर इस केबल को आपने सभी जगह देखा होगा, आपके कॉलेज में भी केबल देखा होगा, आजकल फाइबर ट्रांसमिशन से ही डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। जितने आपके पास जो जैसे कि जियो का फाइबर प्लान है
वहाँ पर आपने देखा होगा आपके आसपास गली मोहल्ले सड़कों पर भी फाइबर नेटवर्किंग के केबल्स बिछाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके का एक मोटा जाल बिछाया जा रहा है। मल्टी मोड और सिंगल मोड जो फाइबर है उसमें अंतर है। सिंगल मोड जो फाइबर होता है उसमें सिंगल ट्रांसमिशन होता है, जैसा कि दिखा रखा है। अगर ये देखेंगे तो आप एक क्लैडिंग ग्लास है, मीन्स इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि आपका सिंगल सिग्नल स्ट्रेंथ से जा सकता है। मल्टी मोड फाइबर में ये फ़ायदा है कि आपके पास मल्टीपल सिग्नल एक साथ आते हैं, उनको वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्शन कर मल्टी मोड से ही आउटपुट आ रहा है। तो मल्टी मोड में आप मल्टीप्लेक्सिंग करके सिग्नल को भेज सकते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा सिग्नल को एक साथ एक ही फाइबर केबल पे भेजा जा सकता है। इसलिए मल्टी मोड में फ़ायदा ये है कि आपके पास मल्टीपल सिग्नल एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंगल मोड फाइबर का नुकसान है कि उसमें सिंगल सिग्नल ही ट्रांसफ़र हो सकता है, बट उसकी कॉस्ट कम होती है, मल्टी मोड फाइबर की कॉस्ट अधिक होती है। तो ये जो तीनों कैटेगरी हैं आपके पास, ये ज़्यादातर गाइडेड मीडिया के अंदर भी आता है, जिसमें केबल इस्तेमाल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल और फाइबर केबल। नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन है आपके पास, उसको इन्होंने लिया सैटेलाइट ट्रांसमिशन। ये जनरली अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया का मेन मुख्य ट्रांसमिशन है आजकल। और इसका उदाहरण आपने आजकल आपके पास जो डिश टीवी है, जितने भी डिश डीटीएच लगे हुए हैं घरों के बाहर, ऊपर एंटीना लगा हुआ है, छोटा डिश लगा हुआ है, और वो डिश पर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो एक ग्राउंड पर अर्थ स्टेशन होता है, जैसे यहाँ अपलिंक स्टेशन लिखा हुआ है, यहाँ से ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स को अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसफ़र किया जाता है सैटेलाइट पर। सैटेलाइट नॉर्मली 36,000 किलोमीटर, जिसको कि 22,300 माइल्स लिखा हुआ है, पर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित होते हैं, जो डिफरेंट सैटेलाइट्स पर सैटेलाइट की बैंडविड्थ को डिवाइड करते हैं ट्रांसपोंडर के माध्यम से, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोंडर जो है उसको अर्थ स्टेशन पर डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपकी डिश है आपके घरों में, जब जो टेलीविज़न आता है उसके लिए बहुत सारी अलग अलग डिशेस काम करती हैं। एयरटेल का अलग है, डिश अलग है, सन टीवी अलग है, वोडाफोन अलग है, वीडियो कॉन अलग है, ऐसे ऐसे आपके पास अलग अलग डिशेस हैं जहाँ पर ये सिग्नल रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से आप अर्थ स्टेशन से जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं उनको उन अर्थ स्टेशन पर अपलिंक स्टेशन से सीधा ट्रांसफ़र करते हैं सैटेलाइट पर, और वो जो सैटेलाइट है, अब आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट ही क्यों? क्योंकि एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 1/3 पार्ट को अर्थ को कवर करता है। अगर ऐसे तीन सैटेलाइट हों तो आप कोई सा भी आपका, अगर मान लो कोई पिक्चर पूरी दुनिया में एक साथ ट्रांसमिट करनी है तो तीन सैटेलाइट के माध्यम से आप पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको अधिकतम स्पेस कवर करना है, अगर दूरी अधिक से अधिक कवर करनी है, तो आप क्या करोगे, सैटेलाइट ही का ही ट्रांसमिशन चुनते हो। सैटेलाइट में यहाँ पर जो दिखा रखा है वो एक अपलिंक और डाउनलिंक दिखा रखा है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है एक नेटवर्क हेडक्वार्टर है और यहाँ से डेटा ट्रांसमिट किया गया है सैटेलाइट से, वो डेटा जो है वो रिसीव किया गया और फिर वापस डिफरेंट ट्रांसपोंडर पर डेटा को भेजा गया है, डिफरेंट ट्रांसपोंडर पर अर्थ स्टेशन पर ही डेटा ने उनको रिसीव किया गया है। तो यहाँ पर वन टू मैनी भी हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। वन टू मैनी को हम अक्सर ब्रॉडकास्ट कहते हैं। आपका जो दूरदर्शन आता है, जो रेडियो आकाशवाणी आता है या आजकल FM आते हैं, उन सब में हम काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन में भी जब आप मोबाइल एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज करते हैं तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सैटेलाइट ट्रांसमिशन जनरली जो है वो स्काई प्रोपेगेशन के कैटेगरी में आता है, और अन्य जो वायरलेस कम्युनिकेशन है जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट या माइक्रोवेव टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट भी काम में आते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं BTER के सिलेबस में, वो आपके लैन मीडिया पे क्वेश्चन आ सकता है, तीनों गाइडेड मीडिया के अंदर क्वेश्चन आ सकता है जिसमें उनके अंदर पूछे जा सकते हैं। सैटेलाइट पर ट्रांसमिशन कैसे होता है उस पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैटेलाइट के फिर डिफरेंट बैंड होते हैं, अगर आप नॉर्मली बैंड के नाम हैं जैसे KU बैंड KA बैंड, जो 4 से 6 GHz, 10 से 14 GHz या 28 से 30 GHz या अन्य GHz पर ऑपरेट होते हैं। और भारत में इसरो इसके लिए एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिससे काफ़ी सैटेलाइट्स भारत में ही लॉन्च किए जाते हैं। ये सैटेलाइट सारे आर्टिफिशियल हैं।